फर्जी कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर 100 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। मनीष दहिया नाम का ठग गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मास्टरमाइंड राजेश कुमार अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो मनीष दहिया की गिरफ्तारी हुई है, 9 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने कर ली है, लेकिन मास्टरमाइंड राजेश अभी फरार बताया जा रहा है। 100 करोड़ की ठगी, फर्जी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर ये 100 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया था। फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे गए। मनीष दहिया की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार अभी तक पुलिस ने किया है, लेकिन मास्टरमाइंड राजेश अभी भी फरार बताया जा रहा है। लगातार दबिश दी जा रही है, तलाश की जा रही है। मास्टरमाइंड राजेश कहां छिपा है इसकी जानकारी भी जल्द पुलिस जुटा लेगी। तो मनीष दहिया पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। 100 करोड़ की ठगी इन लोगों ने की थी। एक पूरे के पूरे फर्जी गैंग का खुलासा किया था पुलिस ने, किस तरीके से लोगों को बुद्धू बनाकर, बेवकूफ बनाकर 100 करोड़ की ठगी उनसे की गई थी। फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे पैसे जो है वसूले गए थे। गिरीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश, आज एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन राजेश अभी भी फरार है। जी, जो पुलिस लगातार अलग अलग ठिकानों में दबिश दे रही है, जो तमाम देश पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से, बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम जगह से पीड़ित भी पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इससे पहले पुलिस ने जब खुलासा किया था तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। जो मास्टरमाइंड फरार है उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया है, उसकी धर्मपत्नी गिरफ्तार हो चुकी है, उसकी बहन गिरफ्तार हो चुकी है। तमाम लोग जो कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। और फिलहाल एक और आज गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी जो मास्टरमाइंड है, जो पूरे इस ठगी का करीब 100 करोड़ की ये ठगी थी, वो फरार चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी के लिए।